सौम्या ने किया। कौन सा चैप्टर नहीं है बेटा तुम्हारे पास? सौम्या कौन सा चैप्टर नहीं है? किसका नहीं मिल रहा है? इंटरनेशनल ट्रेड के नोट्स नहीं मिल रहे। चलो रिसेंड कर दूंगा तुमको मैं, बाकी लोग के पास तो है ना, बाकी लोग के पास है, रिसेंड कर दूंगा। चलो इंटरनल ट्रेड का एक रिवीजन कर दो, ठीक है? क्या करना है, कैसे करना है, ताकि तुम लोग को आइडिया रहे। देखो जब तुम इंटर एक, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, जब आप लोग इंटरनल ट्रेड पढ़ते हो ना, तो देखो यहाँ पे ना बहुत स्पेसिफिक होके चीजें चलती हैं। जैसे आप जब ये वर्ड यूज करते हो ना ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। किस चीज की बाइंग एंड सेलिंग? तो याद रखना गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग को ट्रेड बोलते हैं, ठीक। अब इसके साथ अगर इंटरनल वर्ड जुड़ जाता है ना, तो इंटरनल मतलब होता है विद इन द कंट्री, विद इन द कंट्री। तो इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है गुड्स की वो बाइंग एंड सेलिंग जो देश के अंदर हो रही है, विद इन द कंट्री हो रही है, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। तो यहाँ पर वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। अब यहाँ पर क्या, देखो स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ाई करी है, वैसे ही आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। जब ट्रेड वर्ड को डिफाइन किया जाता है, तो ट्रेड मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए जब आप गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो ट्रेड कहलाता है। हमारा जो ट्रेड होता है वो दो तरह से क्लासिफाइड होता है, ठीक है? इसे हम बोलते हैं, एक है इंटरनल ट्रेड और दूसरा है एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है? यहाँ पे इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है जब गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग जो हो रही है विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री हो रही है, भारत की सीमा के अंदर हो रही है, तो वो इंटरनल ट्रेड कहलाता है। और जब मैं एक्सटर्नल ट्रेड बोलता हूँ, तो ये ट्रेड वो है जहाँ पे जो गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है वो उन लोगों के बीच में हो रही है जो दो अलग अलग देशों में है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि आप रायपुर में रहते हो, मैं दुर्ग में रहता हूँ, अगर मैंने आपसे कोई सामान खरीदा या आपको कोई सामान बेचा, तो हम दोनों ही विद इन इंडिया है, तो ये इंटरनल ट्रेड हो गया, क्योंकि हम दोनों ही भारत में हैं। लेकिन सपोज करो मैं इंडिया में रहता हूँ और आप चाइना में रहते हो, अगर हमारे बीच किसी भी तरह की बाइंग एंड सेलिंग होगी, तो क्योंकि बॉर्डर्स क्रॉस हो जा रहे हैं, इसीलिए इसे बोला जाएगा एक्सटर्नल ट्रेड। तो पहले तो याद रखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है? द ट्रेडिंग या बाइंग एंड सेलिंग विद इन द कंट्री इज नोन एज इंटरनल ट्रेड एंड बिटवीन टू कंट्रीज इज एक्सटर्नल ट्रेड। तो ये हमारा जो चैप्टर है, इसमें हमारा फोकस इंटरनल ट्रेड पे है, फिर अगले रिविजन में जो हमारा फोकस होगा इंटरनेशनल ट्रेड पे होगा। तो देखो इंटरनल ट्रेड की जैसे आपने मीनिंग पढ़ दी, वो बाइंग एंड सेलिंग है जो विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन हो रही है, तो उसे इंटरनल ट्रेड बोला जाता है, ठीक है? सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए। इसके और दूसरे भी नाम है, इसे हम लोग होम ट्रेड, इसे हम लोग इनलैंड ट्रेड, इसे हम लोग डोमेस्टिक ट्रेड बोलते हैं। यहाँ पर जो भी आप पेमेंट करते हो सामान खरीदने पर, आप वो होम करेंसी में करते हो। होम करेंसी मतलब जैसे हमारी होम करेंसी क्या है? रूपी है। तो इंटरनल ट्रेड में जो भी पेमेंट होगी वो रूपी के फॉर्म, ठीक है? यहाँ पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, और यहाँ पे मकसद ये है कि गुड्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सही रेट पे सबको सामान मिले, इंटरनल ट्रेड का ही एम, ठीक है? चलो पहले ये बताओ इंटरनल ट्रेड का आपको क्लासिफिकेशन, इंटरनल ट्रेड क्या है, ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ या ना, इंटरनल ट्रेड क्या है ये समझ आ गया कि नहीं? अब इंटरनल ट्रेड जैसे होते हैं ना, वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है होलसेल ट्रेड और दूसरा होता है रिटेल ट्रेड। दो तरह के ट्रेड होते हैं इंटरनल ट्रेड में। तो जैसे आप होलसेल ट्रेड की बात करते हो, तो होलसेल ट्रेड में जो मिडिलमैन काम आता है, जो मेन पर्सन है, वो होलसेलर। होलसेलर उन लोगों को या उन मिडिलमैन को बोला जाता है जो लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से, और जब लार्ज क्वांटिटी में खरीद देते हैं तो अपने गोडाउन में स्टोर कर देते हैं, फिर छोटी छोटी क्वांटिटी में सामान रिटेलर को बेचते हैं। तो होलसेल का मतलब होता है लार्ज स्केल ट्रेड। यहाँ पर क्या होता है, एक पर्सन या मिडिल मैन होता है जिसका नाम होलसेलर होता है, ये लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदता है मैन्युफैक्चरर से, और जब वो खरीद के रख देता है तो इसे रीसेल करता है वो रिटेलर को छोटी छोटी क्वांटिटी, ये होलसेल ट्रेड है। तो होलसेल ट्रेड में जो मेन पर्सन या एंटिटी है वो कौन है? होलसेलर। होलसेलर मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा कैसे? लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में अपने गोडाउन में पूरी क्वांटिटी स्टोर करेगा, फिर अपने हिसाब से रिटेलर को बेचेगा स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है? तो इस हिसाब से होलसेल ट्रेड की जब बात करोगे, तो यहाँ पर जो होलसेलर है
वही एक इंटरमीडियरी या मिडिल मैन है, किसके बीच, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर दोनों को मिलवाने का काम करता है। अब आप बताओ आपको ये होलसेल ट्रेड की क्लैरिटी है कि नहीं, हाँ या ना, होलसेल ट्रेड क्या है ये बात क्लियर है कि नहीं, होलसेल ट्रेड क्या है ये क्लियर है कि नहीं, बोलो यस और नो। जब होलसेल ट्रेड हो जाता है तो अगला ट्रेड आता है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड में जो मिडिल मैन होता है, उसे रिटेलर बोलते हैं, ठीक है। रिटेल ट्रेड का मतलब होता है जिन रिटेलर्स ने होलसेलर से सामान को स्मॉल क्वांटिटीज में खरीदा है, अब वो सामान को अपनी शॉप में रखते हैं और वो कंज्यूमर्स को बेचते हैं। तो रिटेल ट्रेड का मतलब होता है परचेजिंग द गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी फ्रॉम होलसेलर, होलसेलर से स्मॉल क्वांटिटी में सामान खरीदना और फिर इसे किसे सेल कर देना, अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल कर देना। तो रिटेल ट्रेड में जो रिटेलर होता है वो असली मिडिल मैन होता है, जो किसके बीच का मिडिल मैन है, होलसेलर एंड यहाँ पे मैन्युफैक्चरर वर्ड को काट के कंज्यूमर देख लेना यार, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच का लिंक अपने नोट्स में भी करेक्ट कर देना, अपने स्प्रिंट है होलसेलर और कंज्यूमर के बीच का लिंक, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इंटरनल ट्रेड दो है, कौन कौन से, होलसेल रिटेलर, में दिक्कत नहीं गई होगी। अब जैसे स्पेसिफिक बात करें होलसेल ट्रेड क्या है यार, तो होलसेल ट्रेड जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा क्या होता है, मैन्युफैक्चरर बहुत बड़ी क्वांटिटी, आज मेरी एक फैक्ट्री है, आज अगर मेरी एक फैक्ट्री है तो जब मैं यहाँ पर कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ ना, तो बहुत लार्ज क्वांटिटी में कर रहा हूँ। अब मेरा काम है प्रोड्यूस करना, स्टोर करना नहीं है, तो कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो मुझसे इस लार्ज क्वांटिटी को परचेस कर दे, लार्ज क्वांटिटी के पूरे सामान को परचेस करके अपने पास रख दे, तो ऐसा पर्सन होलसेलर कहलाता है। होलसेलर्स के कारण ही मैन्युफैक्चरर बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखना। तो होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में खरीद के रख लेता है, फिर बाद में रिटेलर्स को बेच देता है। तो होलसेल ट्रेड का मतलब मैं दो बार बोल चुका हूँ, आई होप अब आपको समझ आ गया है। अब सीधे फीचर पे आइए। जैसे होलसेलर्स होते हैं तो ये वैरायटी ऑफ गुड्स में डील ना करके एक स्पेशल क्वालिटी ऑफ गुड्स रखते हैं। जैसे देखना, चावल का होलसेलर अलग होगा, गेहूं का होलसेलर अलग होगा, कपड़ों का होलसेलर अलग होगा, एक तरह के गुड्स में डील करते हैं। दूसरा, ये स्मॉल क्वांटिटी में नहीं, बिगर लॉट्स में डील करते हैं, मतलब बड़े लेवल पे खरीदते हैं, फिर छोटे छोटे लॉट्स में लोग सेल करते हैं। इनका प्रॉफिट मार्जिन अक्सर कम रहता है, कम इसलिए रहता है क्योंकि अगर ये लोग ज्यादा प्राइस चार्ज करने लग गए तो कस्टमर को बहुत महंगा पड़ जाएगा सामान। देन ये एक लिंक है, किसके बीच का लिंक है, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच का लिंक है, ये कंज्यूमर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते, ठीक है। इनको बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है, लार्ज कैपिटल लगता है, क्योंकि इन्हें स्टॉक मेंटेन करना होता है, और जो रिटेलर्स है वो थोड़े से कम स्केल पे काम करते हैं, तो कई बार उनको क्रेडिट या उधार भी देना होता है, ठीक है। सारा रिस्क होलसेलर उठाता है, क्योंकि वही अपने नाम से सामान उठा रहा है मैन्युफैक्चरर से, तो खराब हो गया तो रिस्क होलसेलर के ऊपर आएगा। तो ये होलसेल ट्रेड के फीचर है। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ फीचर। फीचर नंबर वन, एक ही प्रकार के सामान में डील करता है, लार्ज क्वांटिटी में डील करता है, प्रॉफिट मार्जिन लो रहता है। ये एक लिंक है, किसके बीच का, मैन्युफैक्चरर रिटेलर के बीच का। लार्ज कैपिटल चाहिए होता है इनको अपना स्टॉक मेंटेन करने के लिए, और कई बार रिटेलर को उधार भी देते हैं लोग, और सामान का सारा रिस्क जो है होलसेलर उठाता है। खराब हो गया सामान, रिटेलर जाके होलसेलर को वापस कर देगा, अब होलसेलर जाने वो उसका क्या करे, ठीक है। ये होलसेल ट्रेड है। जब हम बात करते हैं रिटेल ट्रेड की, तो रिटेल ट्रेड का मतलब होता है एक ऐसा ट्रेड जहाँ पे रिटेलर स्मॉल क्वांटिटी में सामान खरीदता है होलसेलर से और फिर उसे अल्टीमेट कंज्यूमर को बेच देता है, ठीक है। इसके फीचर क्या हुआ है, तो रिटेलर तो हर लोकेलिटी में पाए जाते हैं, आप देखेंगे तो जनरल स्टोर, किराना स्टोर वाले सब क्या होते हैं, रिटेलर होते हैं, तो ये लार्ज वरायटी ऑफ गुड्स में डील करते हैं, उनके सामान की हर वरायटी मिल जाएगी। बिस्किट बोलोगे 100 प्रकार के बिस्किट मिल जाएंगे। ये लोग बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं रखते, थोड़ी थोड़ी स्मॉल क्वांटिटीज रखते हैं। जैसे अभी मैं किसी किराना दुकान में जाके बोलूं मेरे को 1000 किलो चावल दे दो, तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसका सुत्ता है ही नहीं, ठीक है। ये गुड्स किसको सेल करते हैं, फाइनल कंज्यूमर को सेल करते हैं, ठीक है। ये लिंक है किसके बीच का, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच का लिंक है। रिटेलर ही डिस्ट्रीब्यूशन चेन का लास्ट लिंक है, क्योंकि उसके सामान कंज्यूमर को बिक जाएगा। कैसे, जैसे मैन्युफैक्चरर से होलसेलर को गया, होलसेलर से रिटेलर को, तो लास्ट लिंक कौन है, रिटेलर, उसके तो सामान कंज्यूमर को मिल जाना, ठीक है। अक्सर जो रिटेलर्स है वो लोकेलिटी में पाए जाते हैं, पर्टिकुलर लोकेलिटी में ही आपको रिटेलर्स मिलेंगे। अब आप बताइए आपको ये रिटेल ट्रेड यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं आया, हाँ या ना। आगे रिटेलर का एक पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है कंज्यूमर के साथ, क्योंकि वो शॉपकीपर है, वो कंज्यूमर्स को अच्छे से, बहुत अच्छे से जानता है।
ठीक है। और हमेशा ये जरूरी नहीं है कि रिटेल ट्रेड आप शॉप में ही करो या कोई दुकान से ही करो, आप ना फोन से भी ऑर्डर दे सकते हो। आजकल ये बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, घर बैठे बैठे ये लोग सामान बेचते रहते हैं, ठीक है। तो ये रिटेल ट्रेड था। अब जैसे आप रिटेलर्स बोलेंगे तो रिटेलर्स आपको दो प्रकार के मिलेंगे, आप हमेशा याद रखना। एक होते हैं इटिनरेंट और दूसरे होते हैं फिक्स शॉप रिटेलर। जैसे मैं अगर फोकस करूँ ना रिटेल ट्रेड पे केवल, तो दो तरह के रिटेलर आपको मिलेंगे, एक इटिनरेंट मिलेंगे और एक फिक्स शॉप रिटेलर मिलेंगे। इटिनरेंट रिटेलर उनको बोलते हैं जिनकी कोई फिक्स प्लेस नहीं होती है, वो ना घूमते रहते हैं स्ट्रीट से स्ट्रीट, प्लेस टू प्लेस, कस्टमर की सर्च में, और डोर टू डोर जाके सामान सेल करते हैं। जो कार्ट वाले आते हैं ना, सब्जी वाले, ब्रेड वाले भैया साइकिल पे जो आ रहे हैं, या आइसक्रीम वाला जो आता है, वो सब इटिनरेंट है, कोई फिक्स प्लेस नहीं। और फिक्स शॉप रिटेलर वो होते हैं जिनकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होती है, वो अपनी शॉप पे बैठते हैं और वहां से सामान सेल करते हैं। ये हो गया पहला डिफरेंस मीनिंग का। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इटिनरेंट लोग का इन्वेस्टमेंट बहुत कम है क्योंकि उनकी कोई फिक्स प्लेस है ही नहीं, लेकिन फिक्स शॉप रिटेलर को क्या है, पूरी एक शॉप चलानी है तो इनको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लग जाता है। देन प्रोडक्ट की बात करें तो इटिनरेंट जो होते हैं रेडी वाले, जो इधर उधर घूम घूम के बेचते हैं, इनके पास अक्सर जो होते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं, जैसे स्नैक्स, न्यूज पेपर, बस स्टैंड बस स्टैंड चले जाना, ऐसे इटिनरेंट बहुत दिख जाएंगे, फ्रूट, वेजिटेबल एक्सेट्रा। और जो अपने फिक्स शॉप रिटेलर्स होते हैं उनके कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे फर्नीचर्स होते हैं, और नॉन ड्यूरेबल आइटम जैसे ग्रोसरी आइटम, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब होता है। अब तुम बताओ हैंड रेस करके, तुमको ये इटिनरेंट और फिक्स शॉप का डिफरेंस समझ आ गया कि नहीं? ये इटिनरेंट और फिक्स शॉप का डिफरेंस समझ आ गया कि नहीं? ठीक है। तो अब रिटेल ट्रेड को जैसे आप क्लासिफाई कैसे कैसे कर रहे हो, इटिनरेंट और फिक्स शॉप में ना, तो इटिनरेंट का मतलब तो मैंने बता दिया, जो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के सामान बेचते हैं, जिनकी कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होती, तो इनके फीचर जरूर पड़ जाइए। ये बहुत स्मॉल कैपिटल लगाते हैं, इनको पैसा वैसा लगता नहीं है ज्यादा, ये नॉर्मल कंज्यूमर प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है। ये आपके डोर टू डोर सर्विस देते हैं, आपके घर के सामने गेट तक आते हैं लोग। इनका स्टॉक लिमिटेड रहता है क्योंकि इनको पता है इनकी कोई फिक्स प्लेस नहीं है, ये लोग कैश बेसिस पे ही काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सामान जो है कैश पे बेचते हैं, कोई भी इटिनरेंट या घूमने वाला आपको उधार नहीं देगा। और ये जो सामान बेचते हैं अक्सर वो लोअर प्राइस का होता है, कम रेट का होता है, क्योंकि इनके पास लिमिटेड स्टॉक रहता है और वो भी लो क्वालिटी आइटम्स अक्सर होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह के इटिनरेंट कौन कौन होते हैं, पेडलर, हॉकर, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। पेडलर हॉकर में क्या अंतर होता है, बेसिकली पेडलर उसको बोलते हैं, क्या होता है, किसको याद है पेडलर और हॉकर, पहले मेरे को बताओ पेडलर कौन है, हॉकर और पेडलर कौन कौन है, कौन बता पाए, किसी को याद है? वो तो ठीक है। देखो पेडलर का मतलब वो होता है जो किसी कार्ट या व्हीकल या रिक्शा में अपना सामान बेचता है, और पेडलर, सॉरी, पेडलर वो होता है जो ऑन बॉडी उठाकर सामान बेचता है जैसे कंधे पर या सिर पर, और हॉकर बेसिकली वो होता है जो रिक्शे में या ठेले में, कार्ट में सामान बेचता है, ठीक है। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, पेडलर्स वो है जो ऑन द बॉडी रख कर सामान बेचते हैं, ठीक है, हाथ में पकड़ के, जैसे वो आते हैं ना, वो क्या बोलते हैं यार, वो कैंडी फ्लॉस वाले, हाथ में वो पिंक पिंक कलर का पैकेट में, वो बॉम्बे मिठाई भी बोलते हैं, पकड़ के घूमते रहते, सब्जी वाले जो रहते हैं सिर पे टोकरी रखे रहते हैं, ठीक है। तो वो लोग बॉडी पे रख के बेचते हैं, और ये जो हॉकर्स होते हैं ये कार्ट पे रख के बेचते हैं, ठीक है। तो इटिनरेंट में सबसे पहले पेडलर एंड हॉकर आ गए, ठीक है, ये डोर टू डोर जाकर सामान बेचते हैं। फिर आते हैं मार्केट ट्रेडर या पीरियोडिक ट्रेडर। मार्केट ट्रेडर या पीरियोडिक ट्रेडर उन ट्रेडर्स को बोलते हैं बेसिकली जो फिक्स डेट पर अलग अलग जगह पर जाकर क्या करते हैं, अपनी शॉप खोलते हैं। जैसे सैटरडे को एक मार्केट में जाकर बेचेंगे, तो दूसरे सैटरडे को किसी और मार्केट में, कोई एक त्योहार है तो एक सामान बेचेंगे, दूसरा त्योहार है तो दूसरा सामान बेचेंगे, इनको पीरियोडिक ट्रेडर बोलते हैं। देखो फिर सुन लो, हॉकर और पेडलर क्या है, गली गली जाते, घर घर जाकर सामान बेचते हैं, ठीक है। पीरियोडिक ट्रेडर क्या है, इनका मार्केट लगता है, एक दिन मंडे को इस जगह पे, तो ट्यूसडे को दूसरी जगह, फिर वेडनेसडे को तीसरी जगह, ठीक है। फिर आते हैं स्ट्रीट ट्रेडर। स्ट्रीट ट्रेडर वो होते हैं जो अक्सर पॉपुलेटेड प्लेसेस पे पाए जाते हैं, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, इन जगहों पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। इनके अक्सर मैगजीन्स रहती है, खाने पीने का सामान, फ्रूट्स, ये सब बेचते हैं। आप भी बस स्टैंड से कभी उतरना, आपको बहुत सारे स्ट्रीट ट्रेडर ऐसे दिख जाएंगे,
देन आते हैं चीप जैक। चीप जैक मतलब होता है जिनकी इंडिपेंडेंट टेम्परेरी शॉप्स होती है, बन जा रहे होते हैं, टेंट वेंट लगा देते हैं लोग, ठीक है, टेंट वेंट लगाते हैं, जीप खड़ी रहती है, सामान उतारते हैं, जैसे सुराही हो गया या आयुर्वेदिक मेडिसिन हो गई, एक जगह पर बेचे, जब वहां काम हो गया टेंट को जीप में डाले और निकल गए, वो चीप जैक होते हैं, ठीक है। तो ये आपके कौन हो गए, ये इटिनरेंट हो गए, ठीक है। उसके बाद बारी आती है फिक्स शॉप रिटेलर की। फिक्स शॉप रिटेलर वो होते हैं जिनकी परमानेंट प्लेस होती है, जहां से वो बिजनेस करते हैं और बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, वहीं से बैठे बैठे सामान बेचते हैं। तो दो तरह की फिक्स शॉप होती है, एक स्मॉल स्केल पे होती है और एक लार्ज स्केल पे होती है। जब आप स्मॉल स्केल रिटेलर बोलोगे, स्मॉल शॉप्स बोलोगे, तो इसमें आ जाती है जनरल स्टोर्स। जनरल स्टोर लगभग सबने सुना हुआ है, जनरल स्टोर अक्सर लोकल मार्केट या रेसिडेंशियल एरियाज में पाए जाते हैं। इनके पास क्या होता है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट का स्टॉक रहता है, आपको जो डे टू डे नीड के लिए चाहिए आपको मिल जाएगा, यहाँ पे पेस्ट, सोप, बिस्किट सब मिल जाएगा, ठीक है। ये लंबे समय तक ओपन रहती है, सुबह से शाम तक कन्वीनियंट टाइमिंग पे, और इनके जो रेगुलर कस्टमर होते हैं उनको ये लोग उधार भी देते हैं। जैसे आपके भी घर के आसपास कोई किराना दुकान होगी, वहां से आपका ग्रोसरी या पूरा सामान आता होगा और वो क्रेडिट पे आता होगा, कॉपी बनाए रहते हैं, महीने के महीने पैसा देते हैं। तो स्मॉल शॉप में सबसे पहले आ जाता है क्या, जनरल स्टोर। जनरल स्टोर क्या आ जाता है, स्पेशलिटी स्टोर। स्पेशलिटी स्टोर वो होते हैं जो अक्सर मार्केट में पाए जाते हैं या मॉल्स में पाए जाते हैं। ये स्पेशलिटी स्टोर वो होता है जो एक तरह का ही प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है, और उसमें स्पेशलिटी होती है। जैसे मिठाई दुकान वाले, तो वहां पे सिर्फ मिठाई बिकेगी ना, कपड़ा दुकान वाले तो सिर्फ कपड़े बिकेंगे ना, तो ये स्पेशलिटी शॉप होती है। फिर आती है सेकेंड हैंड गुड शॉप। सेकेंड हैंड गुड शॉप उन शॉप्स को बोलते हैं जहां पर सेकेंड हैंड गुड्स मिलते हैं जो ऑलरेडी परचेज्ड है। जैसे बुक्स की सेकेंड हैंड शॉप होती है, कपड़ों की सेकेंड हैंड शॉप होती है, वहां पे रेट आपको कम मिलेगा लेकिन सामान मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए रिपीट करते हैं कि जैसे मैं फिक्स शॉप की बात कर रहा हूँ, तो फिक्स शॉप रिटेलर वो है जिनकी फिक्स प्लेस है बिजनेस की। तो ये स्मॉल स्केल पर भी पाए जाते हैं और लार्ज स्केल पर भी। स्मॉल स्केल पर इनके होते हैं जैसे जनरल स्टोर, जो आपकी वैरायटी ऑफ नीड्स को पूरी करते हैं। स्पेशलिटी स्टोर, जैसे ब्रांड का सामान बेचते हैं, जैसे आईफोन का सेंटर हो गया या डिवाइस जीन्स हो गई, ये सब। सेकेंड हैंड शॉप मतलब वो शॉप्स होती है जो ऑलरेडी परचेज गुड्स को बेचती है। जैसे आप शोरूम चले जाएंगे ना कार के, तो साइड में देखना मारुति का ट्रू वैल्यू होता है, महिंद्रा का फर्स्ट चॉइस होता है, जहाँ प्री ओन्ड कार जो ऑलरेडी एक बार खरीदी जा चुकी है वो मिल जाएगी आपको। आपने कभी ये देखा है क्या, आपने कभी देखा है ऐसा, गए हो बुक डिपो भी जाओगे तो देखो फर्स्ट हैंड बुक भी मिल जाती है, सेकंड हैंड बुक भी मिल जाती है। अच्छा, उसके बाद सिंगल लाइन स्टोर आते हैं। सिंगल लाइन स्टोर मतलब जो एक ही तरह के सामान में डील करता है। जैसे अगर मेरी मोबाइल की शॉप है ना, तो सिंगल लाइन स्टोर में आएगी। अब स्पेशलिटी स्टोर और सिंगल लाइन स्टोर में क्या डिफरेंस है समझ लो। अगर मेरी केवल एक मोबाइल की दुकान है, जैसे जेके मोबाइल शॉप, तो ये सिंगल लाइन स्टोर है, ये सिंगल लाइन। लेकिन अगर मैं बोलता हूं जेके आईफोन स्टोर, तो यहाँ पे स्पेशलिटी दिखा रहा है कि मेरे यहां सिर्फ क्या बिकते हैं, आईफोन बिकते हैं। तो याद रखना, स्पेशलिटी स्टोर वो होता है बेसिकली जहां पे एक ब्रांड का सामान बिकता है, और सिंगल लाइन स्टोर उसको बोलते हैं हम लोग जहां पर एक तरह का सामान बिकता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और इसमें दिक्कत नहीं गई होगी। सब लोग को समझ आ गया कि नहीं आया बताओ, स्मॉल स्केल रिटेलर, हाँ या ना? स्मॉल स्केल रिटेलर समझ आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना? आज अटेंडेंस लूंगा बेटा अभी, है ना, अटेंडेंस लूंगा। अब उसके बाद आते हैं लार्ज स्केल रिटेलर्स। भाई लार्ज स्केल रिटेलर वो होते हैं जो बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे लार्ज स्केल रिटेलर में बोलोगे तो सबसे पहले आ जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। बेटा डिपार्टमेंटल स्टोर का मतलब होता है एक बहुत बड़ी प्लेस जहां पे वैरायटी ऑफ सामान बिकते हैं अंडर अ सिंगल रूफ। यहाँ पे हर चीज के लिए क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, और उस डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ गुड्स होता है। जैसे खाने का डिपार्टमेंट अलग होगा, मेडिसिन का अलग होगा, फर्नीचर का अलग होगा, इलेक्ट्रॉनिक का अलग होगा। जैसे आप सब में से कितने लोग डीमार्ट गए हुए हो,
कितने लोग डीमार्ट गए हो? मैं तो गया हूँ, आपने से कौन कौन गया डीमार्ट? लगभग सभी गए हो। तो देखना, एक साइड जो होता है पूरा वो ग्रोसरी आइटम्स का होता है, फिर एक हिस्सा इसका होता है जहाँ पे कपड़े मिलते रहते हैं, वहीं पे एक हिस्सा वो रहेगा जहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट मिलता रहेगा, एक हिस्से में इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलते रहेंगे। तो एक डीमार्ट है, सिंगल रूफ है, बहुत बड़ी प्लेस है, वहां पे अलग 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 चीजें आपको मिलेगी, तो उसे हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर बोलते हैं। स्टोर है, दुकान है और डिपार्टमेंट्स में बंटी हुई है, एक ही जगह पर अलग अलग डिपार्टमेंट में चीजें मिल जाती है। ठीक, तो ये लार्ज स्केल होता है, बहुत बड़े एरिया में होता है। ठीक है, दूसरी होती है चेन स्टोर। चेन स्टोर को हम लोग मल्टीपल शॉप्स भी बोलते हैं। चेन स्टोर का सिस्टम ऐसा होता है कि जब एक शहर में एक शॉप की एक से ज्यादा या दो से ज्यादा ब्रांचेस हो जाती है तो चेन स्टोर बन जाता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, मार्क वाइट की एक स्टेशनरी दुकान है, रायपुर में ही 15 जगहों पर है, तो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है ना, 15 जगहों को संभाल रहा है। तो एक मेन शॉप में खुद मार्क वाइट रहेगा, इसका मैनेजमेंट सेंट्रलाइज रहेगा। और अब ये क्या है, शहर के अलग अलग लोकेलिटीज में फैली हुई है। ठीक है, ये एक ब्रांडेड सामान बेचेंगे, अपने ब्रांड के अंदर बेचेंगे, और एक ही ऑर्गेनाइजेशन होगी जो एक ही तरह से सारा सामान बेचेगी। जैसे अगर मैं डोमिनोज की बात करूं तो आप किसी भी डोमिनोज में चले जाओ, सबका सेटअप एक होता है, सबके पिज्जा का टेस्ट भी एक होता है। तो डोमिनोज के चेन स्टोर है, रायपुर में 5-6 डोमिनोज हैं। तो आप बताओ, डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर में डिफरेंस क्या आ रहा है? तो ये डिफरेंस आ रहा है, डिपार्टमेंटल स्टोर एक सिंगल रूफ में बड़े से एरिया में अलग अलग डिपार्टमेंट में सामान बिक रहे हैं। चेन स्टोर मतलब छोटी छोटी बहुत सारी शॉप्स जब एक शहर में होती है तो सब लोग चेन स्टोर बोलते हैं। चलो बताओ, कितना क्लियर है? डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, क्लैरिटी है कि नहीं है? हाँ या ना? अच्छा, उसके बाद आता है मेल ऑर्डर रिटेलिंग। मेल ऑर्डर हाउसेस या मेल ऑर्डर रिटेलिंग का मतलब होता है जहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन पोस्टल कम्युनिकेशन से होता है। यहाँ पे आप बायर को पर्सनली नहीं जानते हो, आप टीवी पे उसका एड देखते हो, उसे कॉल लगाते हो, तो बाय पोस्ट या कुरियर आपका सामान वो भिजवा देता है। जैसे टीवी आप सुबह सुबह चालू करोगे, naptol.com का चलता रहता है, आज ऑफर है, ये खरीद लो, वो खरीद लो, जीवा आयुर्वेदा का वो आता रहता है, हम मोटे को पतला कर देंगे, ऐसा वैसा। तो आप फोन करिए उस पर, तो आपके घर में आप जो ऑर्डर करोगे सामान वो लोग भिजवा देंगे। इन्हें हम लोग मेल ऑर्डर हाउसेस बोलते हैं। अब क्या होता है, इनको हम लोग लार्ज स्केल में इसलिए दे रहे कि उनकी जो डिलीवरी है ना वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड होती है। हमको ऐसा लगता है कि ये क्या तो कॉमेडी टाइप टीवी पे चला रहे हैं, बट सच ये है कि पूरी दुनिया में इनके सामान के डिमांड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद बारी आती है वेंडिंग मशीन की। ठीक है, वेंडिंग मशीन मतलब होता है आजकल नया फॉर्म ऑफ रिटेलिंग है, जहां पे स्लॉट मशीन्स बना दी जाती है जो कॉइन या टोकन से चलती है। जब कॉइन या टोकन आप इसमें डालते हो तो आपको एक पर्टिकुलर तरह का गुड्स मिलता है। जैसे मैंने बताया वेस्टर्न कंट्रीज में मिल्क का काम या जो कोल्ड ड्रिंक है या चॉकलेट है, सब वेंडिंग मशीन पे चलता है। इतना अमाउंट का आप टोकन या सिक्का डालो तो वहां से मशीन के अंदर से आपको क्या सामान निकलेगा। आप इंडिया में भी देखेंगे तो प्लेटफॉर्म टिकट भी आजकल यही सिस्टम पे आने लग गई है। आप जाओगे ना कभी रेलवे स्टेशन तो देखना ऑरेंज कलर का एक बना रहता है डब्बा, वो एवीएम है, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन है। अब 10 रुपए टिकट का दो, 15 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट का दो, उसमें से प्लेटफॉर्म टिकट निकल जाएगी। ठीक है, तो आप ये देख लो, देखो फिक्स शॉप रिटेलर्स मैंने आपको पूरे बता दिए। ठीक है, आपको मैंने इटिनरेंट बता दिए, दिमाग में एकदम बिठा लेना। इटिनरेंट मैंने आपको बताया हॉकर एंड पेडलर, मार्केट ट्रेडर मतलब पीरियोडिक ट्रेडर, स्ट्रीट ट्रेडर, चीप जैक, आपको एकदम अच्छे से आ जाना चाहिए। फिक्स शॉप रिटेलर में मैंने आपको बताया स्मॉल और लार्ज। स्मॉल में आते हैं जनरल स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर, सेकेंड हैंड गुड शॉप, सिंगल लाइन स्टोर, और लार्ज स्केल में आते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, मेल ऑर्डर हाउसेस, वेंडिंग मशीन। ये एकदम अच्छे से आप लोग को बनना चाहिए बेटा, और इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जानी चाहिए। ठीक है, अब बारी आती है होलसेलर रिटेलर में क्या डिफरेंस है। तो होलसेलर एक लिंक है रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच, और रिटेलर एक लिंक है कस्टमर और होलसेलर के बीच। स्केल ऑफ ऑपरेशन की बात करें, होलसेलर जो होता है लार्ज स्केल में ऑपरेट करता है, बड़े लेवल पे ऑपरेट करता है, रिटेलर स्मॉल स्केल में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, होलसेलर ज्यादा आइटम्स में डील करता है, रिटेलर जो होता है सॉरी होलसेलर कम आइटम्स में डील करता है, स्पेशलिटी आइटम रखता है, रिटेलर के अलग अलग बहुत सारे आइटम होते हैं। ठीक है, कैपिटल की बात करें, होलसेलर को लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगता है क्योंकि उसे स्टॉक मेंटेन करना होता है, रिटेलर को उतना कैपिटल नहीं लगता है। होलसेलर क्रेडिट या उधार में भी डील करता है, रिटेलर अक्सर कैश में डील करते हैं। होलसेलर का प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, रिटेलर का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है।
होलसेलर जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर पाए जाते हैं और रिटेलर लोकल एरियाज में पाए जाते हैं, ये इनके बीच के डिफरेंसेस हो गए। ये मेन डॉक्यूमेंट ऑफ इंटरनल ट्रेड ये हट चुका है, टॉपिक तो हमको नहीं करना है और इस पे आपको बिल्कुल मतलब वो भी नहीं होना चाहिए। आप चेंबर ऑफ कॉमर्स भी ऐसा डिलीट हो गया है, तो फिर भी आप ये कुछ टर्म्स है जो पढ़िए जो आपके काम आएंगे, याद रखना जरूरी है। जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हम बात करते हैं तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है या एसोसिएशन है जिसका काम होता है एक एरिया के बिजनेसमैन के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। जैसे हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो हमारा छत्तीसगढ़ का एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जिसे छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स बोला जाता है। तो जो छत्तीसगढ़ के बिजनेसमैन है उनकी बातों को गवर्नमेंट के पास रखने का काम जो होता है वो चेंबर ऑफ कॉमर्स करता है। इनका लिंक गवर्नमेंट से होता है, याद रखना। कुछ चेंबर ऑफ कॉमर्स के एग्जांपल्स अगर आप लेंगे तो इसमें आ जाता है एसोचैम, एसोचैम का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स। इसमें आ जाता है सीआईआई, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसमें आ जाता है फिक्की, एफआईसीसीआई, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये सारी एसोसिएशन है जो नेशनल लेवल पे बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो क्या क्या काम है चेंबर ऑफ कॉमर्स का, जरूर पढ़ें। चेंबर ऑफ कॉमर्स का काम है कि ये ज्यादा से ज्यादा इंटरनल ट्रेड को प्रमोट करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट से ये इंटरैक्ट करते रहते हैं अलग अलग लेवल पे ताकि किसी को कोई हिंड्रेंस या परेशानी हो तो दूर हो जाए, और जिन बिजनेसमैन को अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं। चलिए रिपीट करते हैं, मैंने कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए थे। जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है बिजनेसमैन की जिनका काम है बिजनेसेस को प्रमोट करना। कुछ इसके एग्जाम्पल्स अब जरूर याद रखो, जैसे एसोचैम, सीआईआई, फिक्की। एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ दूंगा तो उस टाइम एकदम ब्लैंक मत रहना, पता होना चाहिए सीआईआई का, फिक्की का और इनके रोल्स को, ये पढ़ेंगे। फिर मैंने आपका एफओबी का टर्म बताया था, फ्री ऑन बोर्ड का मतलब बताया था मैंने आपको, ठीक है। एफओबी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो बायर और सेलर के बीच बनता है, जहां पे सेलर ये बोलता है कि सामान को शिप करवाने का, लदवाने का, लोड करवाने का सारा खर्चा सेलर उठाएगा, ठीक है। तो जब तक सामान डिलीवर नहीं होता सारा खर्चा किसके सिर पे आ रहा है, सेलर के सिर पे आ रहा है, और इसे हम लोग बोलते हैं कि फ्री ऑन बोर्ड। इसके लिए बायर को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, बायर को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कि अगर रायपुर से कोई सामान जा रहा है मुंबई तो लोड करवाने तक का सारा खर्चा सेलर उठाएगा, इसे फ्री ऑन बोर्ड बोलते हैं। आप बताओ आपको फ्री ऑन बोर्ड समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? फ्री ऑन बोर्ड आपको समझ आया कि नहीं? आपको भी मैं कोई सामान बेचूंगा तो उसको लोड करवाने तक का सारा खर्चा मैं ही उठाऊंगा, इसे फ्री ऑन बोर्ड बोलते हैं। फिर ई एंड ओ करके एक वर्ड यूज होता है, इसको भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अक्सर क्या होता है बेसिकली ना, जब भी आप कोई ट्रेड करते हो ना तो हमें अलग अलग तरह की जानकारियां देनी होती है। तो जैसे कुछ अमाउंट गलत हो गया, कोई जानकारी गलत हो गई तो सामने वाला हम पर लीगल केस भी कर सकता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, ई एंड ओ लिख देते हैं, एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड, कि अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कर देना। जैसे मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, आप मुंबई में रहते हो, मैंने आपको कुछ बिल्स बना के भेजे, इतने इतने रुपए का सामान खरीदा है, तो छोटा सा ई एंड ओ लिख दूंगा कि अगर कोई अमाउंट को लेकर गड़बड़ हो तो आपस में डिस्कशन कर देंगे, मेरे पास लीगल केस फेस मत करो, ठीक है। फिर आता है CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट एक कॉन्ट्रैक्ट है जो सेलर और बायर के बीच है, जहाँ पे सेलर बोल रहा है मैं ही सारा खर्चा उठाऊंगा, सामान को लोड करवाने का भी, सामान के इंश्योरेंस का भी, और जो शिप का किराया होगा, शिप का जो रेंट होगा जिसको फ्रेट बोलते हैं, वो भी मैं ही उठाऊंगा। तो जब सारा खर्चा, कौन कौन सा खर्चा, सामान को लोड करवाने का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा और फ्रेट का खर्चा सब अगर सेलर उठाने को तैयार है तो इसे हम लोग CIF बोलते हैं, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको पता होना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, इसे जो बताया हूं आप रीड जरूर कर देना ये सब, चेंबर ऑफ कॉमर्स, ई एंड ओ, एफओबी और ये सारी चीजें पढ़ के आना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंटरनल ट्रेड चैप्टर खत्म हो गया, इंटरनल ट्रेड चैप्टर का रिवीजन खत्म हो गया। टुमारो इज सैटरडे, कल कोई क्लास नहीं दूंगा, कल क्लास नहीं रहेगी। मंडे को इंटरनेशनल ट्रेड रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। कल कोई क्लास नहीं दूंगा, मंडे को इंटरनेशनल ट्रेड रिवाइज कराऊंगा। मुझे एक बार अपनी अटेंडेंस लेने देना आप लोग।
मुझे एक बार अपनी अटेंडेंस लेने देना, और किसी की कोई रिक्वायरमेंट है या किसी को कोई भी चीज चाहिए या नहीं है तो मुझे बता देना, ठीक है, वीडियो हो या फिर आपका नोट्स हो, आप मेरे को बता देना, सर ये वाली चीज हमको प्रोवाइड कर दो तो मैं दे दूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपना लेक्चर क्या होता है खत्म होता है, ये आज पढ़ेंगे बस, काफी है आज, है ना। आप भी थरोली नोट्स हैं उसे एकदम अच्छे से पढ़ देना इंटरनल ट्रेडर।